हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं विभिन्न विटामिनों की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं इसके बारे में बताऊंगी। विटामिन क्या है और विटामिन के वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका कार्य क्या है, इसके बारे में मैं इसके पहले फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ ट्रिक के साथ। दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। एंड दोस्तों, पोषण पाठ के अंतर्गत यानी हेल्थ एजुकेशन और रोग के अंतर्गत में स्वास्थ्य क्या है एंड पोषक तत्व क्या है, इसके अंतर्गत मैं कार्बोहाइड्रेट को बता चुकी हूँ, प्रोटीन वसा को बता चुकी हूँ, विटामिन का फर्स्ट पार्ट बता चुकी हूँ। इस पार्ट में मैं विटामिन से रोग बताऊंगी। एंड दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, उत्तकों की टूट फूट को मरम्मत करता है, और विटामिन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, यह हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, और जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा हम लेते हैं उसे उपापचय क्रिया में मदद करता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन हमारे लिए, और इसी विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। तो कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे विटामिन ए के बारे में। जैसा कि दोस्तों, विटामिन ए जो होता है उसको ग्रोथ विटामिन भी बोला जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रोथ विटामिन किसे कहा जाता है या वृद्धि कारक विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ए को कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों, विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में गाजर में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। इसके अलावा यह गाजर, टमाटर, गोभी, केला, आम, पपीता, अनानास, हरी सब्जियों में पाया जाता है। एंड दोस्तों, जो मांसाहारी है उसके अंतर्गत मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली के तेल, यकृत, मछली के मांस आदि में पाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से दोस्तों होता है आपका कजीरोथैल्मिया। क्या होता है? कजीरोथैल्मिया, जिसे हिंदी में शुष्क छिपाक भी बोला जाता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कार्निया व नेत्र श्लेष्मक यानी कंजक्टिवा की परत सूख जाती है और वह उसमें सूजन हो जाता है। ठीक है। एंड दोस्तों, दूसरा रोग होता है आपका रतौंधी, जिसे आप सब लोग जानते हैं, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी में रात को दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, रेटिना की रेड रोड सेल जो होती है, जैसे कि हमारे आंखों में दो सेल होता है दोस्तों, रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल जो होता है हमको अंधेरे में उजाले में अंतर करने की क्षमता देता है, और जो कोन सेल होता है हमें पदार्थों की रंगों में अंतर बताता है कि यह वस्तु किस रंग का है, ये हम पहचान पाते हैं कोन सेल के द्वारा, और कोई वस्तु देख पाते हैं रोड सेल के द्वारा। तो हमें जो देखने की क्षमता है रोड सेल प्रकाश अंधेरे में, अंधेरे उजाले में जो फर्क बताता है, वही चीज उसी पर रेटिना की रोड सेल ग्रसित हो जाती है, जिसे हमको दिखाई नहीं देता है अंधेरे में, जिसे जिसके जिससे रेडॉप्सिन लेयर जो है वो खराब हो जाता है, जिससे हमको रात में दिखाई नहीं देता है। एंड नेक्स्ट रोग होता है विटामिन ए की कमी से दोस्तों, वड़ांधता। क्या होता है? वड़ांधता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कलर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है, हिंदी में इसको कलर विजन भी बोलते हैं, और डिफिशियंसी, कलर विजन डिफिशियंसी बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों, इसमें वड़ांधता में कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है, इसमें रंगों में अंतर करने की क्षमता बाधित हो जाती है। हम किसी वस्तु को ये नहीं बता सकते हैं कि ये किस कलर का है, यानी इसमें कौन सेल ग्रसित हो जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। जैसा कि दोस्तों, और वीडियो में और इस वीडियो में आपको यही अंतर देखने को मिलेगा कि और वीडियो में आपको सीधे सीधे बताया गया होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इन सब के अलावा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि कई बार क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है,
उसमें पूछ देता है कि कलर ब्लाइंडनेस किस कमी से होता है, या वो पूछ देता है कि कंजक्टिवाइटिस किस कमी से होता है, कजिरोथैल्मिया किसकी कमी से होता है, तो आप नहीं जानेंगे तो कैसे उत्तर देंगे दोस्तों, इसलिए डीप में इसको जानना जरूरी है। एंड दोस्तों जैसे कि नेक्स्ट है आपका कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इसमें क्या होता है, कौन सेल ग्रसित हो जाता है, कौन सेल क्या काम करता है, हमारे वस्तुओं को रंगों में अंतर करने की क्षमता बताता है कि कौन सा वस्तु किस रंग का है, तो कौन सेल ग्रसित हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता में, जिसे हम कोई कलर नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता दोस्तों दो प्रकार की होती है, पूर्ण वर्णांधता यानी टोटल कलर ब्लाइंडनेस और आंशिक वर्णांधता, ठीक है। पूर्ण वर्णांधता जिसे टोटल कलर ब्लाइंडनेस या मोनोक्रोमेसी भी बोला जाता है। एंड दोस्तों पूर्ण वर्णांधता में कोई रंग नहीं दिखता है, स्लेटी या ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। और आंशिक वर्णांधता जिसे पोर्टियल भी बोलते हैं, जिसे डाइक्रोमेसी भी बोला जाता है दोस्तों, यह दो प्रकार का इसको माना गया है, एक लाल हरा नहीं दिखता है और एक ब्लू येलो नहीं दिखता है। लाल हरा रेड ग्रीन में क्या होता है दोस्तों, इसको डाइक्रोमेसी के अंतर्गत प्रोटोनोपिया तथा ड्यूट्रेनोपिया आता है। इसमें क्या होता है, लाल हरा देखने में दिक्कत होता है, इसे ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। पोट्रेनोपिया में क्या होता है कि लाल रंग नहीं दिखता है और डिट्रेनोपिया में हरा रंग नहीं दिखता है। एंड दूसरा है दोस्तों आंशिक वर्णांधता में ब्लू येलो। ब्लू येलो में क्या होता है दोस्तों, इसमें तीन कोर पिगमेंट लाल हरा और नीला में बदल जाते हैं, यानी कि इसमें प्रोटोनोमैटी डिट्रेनोमैली ट्रोनोमैली होता है, यानी कि पोट्रेनोमैली में लाल रिसेप्टर देखने में दिक्कत होता है एंड डिट्रेनोमैली में हरे रिसेप्टर को देखने में दिक्कत होता है, जो लाल व हरे रंग में फर्क नहीं बता पाता एंड ट्रेनोमैली में नीला हरा लाल गुलाबी में फर्क नहीं कर पाता, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। ज्यादातर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा कलर अधिकतर नहीं दिखता है, तो लाल हरा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट रोग है विटामिन ए की कमी से कंजक्टिवल जेरोसिस, ठीक है। कंजक्टिवल जेरोसिस जिसे हिंदी में नेत्र श्लेष्मकला शुष्कता कहते हैं, इसमें क्या होता है, आंखों की श्लेष्मा झिल्ली में सूखा रूखापन होता है। यह विटामिन ए का पहला घातक द्योतक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट रोग होता है विटामिन ए की कमी से बाइटोट धब्बा, जिसे बाइटोट स्पॉट बोलते हैं, इसमें क्या होता है, नेत्र श्लेष्म कला में कार्निया के दोनों तरफ तिकोने धब्बे बन जाते हैं। इसकी खोज पियरे बाइटोट ने 1863 में किया, ये फ्रांस के चिकित्सक थे। पहले इसके उपचार में जानवरों के यकृत को पिलाया जाता था। एंड दोस्तों नेक्स्ट रोग होता है आपका विटामिन ए की कमी से मंदित वृद्धि, ठीक है, रिटार्डेड ग्रोथ जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, लीवर व गुर्दे यानी किडनी प्रभावित होता है, शरीर की वृद्धि मंद हो जाती है, वजन कम होने लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिक संक्रमण, रीनल इन्फेक्शन, इसमें ब्रिक नलिकाओं में कैल्सिफिकेशन से गुर्दे में पथरी बनने लगती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट रोग है इसमें श्वेत पटल शुष्कता, जिसे क्रोनल एक्जरोसिस बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि आंखों की पुतली जो होती है, जो लेंस होती है, उसकी रक्षा करने वाले सफेद सख्त भाग कार्निया का सूख जाता है इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों स्वच्छ पटल मृदुता जिसे करेटो मलेशिया भी बोलते हैं, यह भी विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। इसमें कार्निया वाले भाग में तरल पदार्थ भर जाता है, जिससे कार्निया मुलायम हो जाता है, जिससे इसके फटने की संभावना रहती है। भारत में इसी रोग के काफी लोग अंधे हो जाते हैं। नेक्स्ट रोग है दोस्तों रहिनोडर्मा, ठीक है, यह त्वचा रोग है, यह विटामिन ए की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा।
एंड नेक्स्ट रोग है टोड त्वचा, यानी कि त्वचा सूखी व खुरदरी छोट हो जाती है, छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से हमने जाना कजीरोथैल्मिया होता है, रतौंधी होता है, वरांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, और कंजक्टिवल जीरोसिस, बाइटोट धब्बा, मंदित वृद्धि, वृक्क संक्रमण, श्वेत पटल शुष्कता, क्रोनल एग्जीरोसिस, स्वच्छ पटल मृदुता यानी कैरेटो मेलेसिया, रहिनोडर्मा, टोड त्वचा, ये सब आपका होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन बी की। किसकी बात करेंगे? विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। जैसा कि दोस्तों विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है थायमिन और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, तो विटामिन ए का बी का वैज्ञानिक नाम है थायमिन। जैसा कि दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B1, क्योंकि इसको शॉर्ट में ही बताएंगे दोस्तों, जैसा कि इसमें बहुत शॉर्ट में ही पूछा जाता है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है आपका लकवा, पैरालिसिस यानी जिसे बेरी बेरी कहते हैं, और इसमें भूख नहीं लगता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। एंड दोस्तों B2 की कमी से होता है किलोसिस, यानी इसमें होंठ फट जाता है, पाचन कमजोर हो जाता है, रोग निरोधक की कमी हो जाती है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जीभ में सूजन हो जाता है, आंखों में विकार हो जाता है, ठीक है, आंखों में विकार हो जाता है। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लोविन। वैज्ञानिक नाम के नाम को आपको जानना है तो ट्रिक के साथ तो फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए विटामिन वाले पार्ट का। एंड दोस्तों विटामिन B3 की कमी से चर्मदाह यानी पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है, B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? चर्मद्राह यानी पेलाग्रा रोग हो जाता है विटामिन B3 की कमी से, ठीक है, इसमें भी भूख की कमी और पाचन गड़बड़ा जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तंत्रिका के अधिक क्षीण होने से रोगी पागल भी हो जाता है, ठीक है, B3 की कमी से पेलाग्रा रोग में। दोस्तों दोस्तों इसको आपको जानना इसलिए आवश्यक है, इसमें 3DS होता है, ठीक है, विटामिन B3 में क्या होता है? 3DS इसमें होता है। 3DS से तात्पर्य होता है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंटिया। डायरिया आप जान रहे हैं दोस्तों, दस्त को डायरिया कहते हैं, और डर्मेटाइटिस में चमड़ी की निचली परत में सूजन हो जाता है, डिमेंटिया में मानसिक विकृति रोग हो जाता है, ठीक है। तो 3DS का संबंध किस विटामिन से है? तो विटामिन B3 से, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और 3DS का मतलब पूछेगा तो दोस्तों 3DS मतलब 3D से क्या क्या होता है? डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंटिया, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है B3 के बाद क्या होता है? B5। B5 से क्या होता है? B5 दोस्तों यह एड्रिनल के कार्टेक्स के कार्यों से संबंधित होता है, इसलिए ये खराब होगा, इस कमी होगा तो एड्रिनल कार्टेक्स में विकार उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है B6। B6 की कमी से दोस्तों, B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं, B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसमें शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। एंड B7 जिसे बायोटिन भी बोला जाता है, विटामिन एच भी बोला जाता है, इसकी कमी से बाल झड़ने लगता है, त्वचा रोग हो जाता है, पेशी कमजोर हो जाती है, नेत्र श्लेष्मा में सूजन हो जाता है। एंड दोस्तों B9 में क्या होता है? RBC के उत्पादन में सहायक होता है। एंड दोस्तों B12 जो होता है, इसकी कमी से पर्निकस एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया सीधे पूछेगा तो B6 की कमी से, पर्निकस एनीमिया पूछेगा तो B12 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो पर्निकस एनीमिया किसकी कमी से होता है? B12 की कमी से, और B12 रक्त निर्माण में सहायक होता है और DNA के संश्लेषण में इसका सहयोग होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन सी। जैसे कि दोस्तों विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कार्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, जैसे कि ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है ज्यादातर, ठीक है, जैसे कि सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है दोस्तों? आंवले में पाया जाता है। उसके अलावा विटामिन सी जो होता है
वह नींबू में पाया जाता है, मौसम्बी में पाया जाता है, संतरे, अमरूद, इमली, आम और सेब में पाया जाता है। जैसा कि दोस्तों इस बार पूछा था कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, उसमें ना नींबू दिया था ना आंवला दिया था, उस संतरा भी नहीं दिया था, तो उसमें अमरूद सही था। ठीक है, अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। एंड विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी, जिसे हमारे मसूड़े खराब हो जाते हैं, रक्त आने लगता है। एंड दोस्तों विटामिन सी करता क्या है? यह ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कई बार पूछा है दोस्तों कि ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांध के कौन रखता है? तो विटामिन सी रखता है, और यह घाव भरने का काम करता है, आरबीसी का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है विटामिन सी। आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन डी, जिसे जिसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेराल है। एंड दोस्तों विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन भी बोला जाता है। इसको आप जरूर याद में रखिएगा, विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन बोला जाता है। कई बार पूछा गया है कि एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को। नेचुरल विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को। किडनी हार्मोन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जैसा कि यह D1, D2, D3, D4, D5 कई प्रकार में आता है, इसमें प्रमुख रूप से D2 और D3 को माना जाता है। इसमें D2 को अर्गो कैल्सिफेराल कहते हैं एंड D3 को कोले कैल्सिफेराल कहते हैं। D2 जिसे अर्गो कैल्सिफेराल कहते हैं, इसकी कमी से टिटैनी रोग हो जाता है। टिटैनी में क्या होता है? अस्थियों में ऐठन होता है। एंड D3 जिसे कोले कैल्सिफेराल कहते हैं, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है D3 यानी कोले कैल्सिफेराल की कमी से। और दोस्तों D3 जो होता है सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। ये आपको कई बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि सूर्य की सीधी किरणों से कौन सा प्राप्त होता है, या तो उसमें विटामिन डी दिया रहेगा तो वो सही रहेगा, और डी नहीं दिया रहेगा तो D2 D3 दिया रहेगा तो D3 सही रहेगा। ठीक है, तो D3 यानी कोले कैल्सिफेराल की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, जिसे सूखा रोग, सुखंडी कहते हैं। अस्थियां इसमें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इस रोग की जांच के दौरान एडवर्ड मिलन बाई ने डी की खोज विटामिन डी की खोज की थी। एंड दोस्तों D3 की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया यानी कि इसमें अस्थियां मृदुल हो जाती हैं, जो मृदुलास्थि भी बोलते हैं। इसे पसलियां, कूल्हे, जबड़े अधिक प्रभावित होते हैं। एंड वयस्कों में और कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? अस्थियों में कैल्शियम व प्रोटीन की कमी हो जाती है, और अस्थियां पतली, द्रव्यमान में कम, बार बार टूटने वाली हो जाती हैं। एंड तीसरा रोग होता है दोस्तों वयस्कों में Type 2 डायबिटीज। Type 2 डायबिटीज क्या होता है? यह सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। ठीक है, सूर्य की सीधी किरणों से कौन प्राप्त होता है? D3 कोले कैल्सिफेराल। तो सूर्य की सीधी किरणों से D3 कोले कैल्सिफेराल बनता है, जो इंसुलिन को क्रियाशील बनाता है तथा मधुमेह बना बीमारी से बचाता है। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ई की, जिसे जिसका वैज्ञानिक नाम टेकोफिराल है, जिसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। एंड बाझपन रोधी यानी कि एंटी स्टरलिटी विटामिन बोला जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इसको ब्यूटी विटामिन और एंटी स्टरलिटी विटामिन यानी बाझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा। एंड दोस्तों इसकी कमी से पुरुषों व स्त्रियों में बाझपन हो जाता है, महिलाओं में गर्भपात यानी एबॉर्शन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है, और अंगघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। एंड आरबीसी का कम उत्पादन हो जाता है, एंड न्यूरोलॉजी समस्या यानी मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन के की। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन, और दोस्तों इसको रक्त स्त्राव रोधी यानी कि रक्त का थक्का बनने में एक काम आता है, इसलिए इसको बोला जाता है रक्त स्त्राव रोधी यानी एंटी हेम्योरोगिक कहा जाता है।
दोस्तों जैसा कि आप हेमरेज रोग सुने होंगे, हेमरेज रोग में क्या होता है कि रक्त का थक्का कट जाने के बाद जमता ही नहीं है और पूरा रक्त शरीर से निकल जाता है, जिसे रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो इसको हेमरेज बोला जाता है, रक्त स्त्राव रोधी। ठीक है, तो रक्त स्त्राव को यह रोकता है। एंड दोस्तों यह लीवर में एकत्रित होता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए यह विटामिन के बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। जब हम कट जाते हैं तो कुछ देर बाद यानी 3 से 4-5 मिनट में आपका रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे रक्त बाहर नहीं निकल पाता है, और यही विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, पूरा रक्त शरीर से निकल जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो विटामिन के क्या होता है, रक्त स्त्राव रोधी है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, या रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रोथोम्बिन के उत्पादन में मदद करता है। प्रोथोम्बिन एक प्रोटीन है दोस्तों, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, जो यकृत में बनता है। यकृत में यह विटामिन के जो है प्रोथोम्बिन के उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, और दोस्तों इसको विटामिन K1 K2 में बांटा गया है। विटामिन K1 को फाइलोक्विनोन कहते हैं या फाइटोमैनाडियोन कहते हैं। यह हरी पत्तेदार सब्जियों में, जैसे सीधा संबंध इसका प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से होता है। K1 शरीर में जाकर K2 में परिवर्तित हो जाता है। और विटामिन K2 क्या होता है दोस्तों, यकृत में संग्रहित होता है, इसको मैनाक्विनोन बोलते हैं। और विटामिन K2 जो है इसका संश्लेषण आंतों के जीवाणुओं द्वारा होता है। यह लंबे समय तक जीवाणु रोधक लेने से आंतों के जीवाणुओं की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, इसकी कमी से थक्का नहीं बनता है, आते प्रभावित होती हैं, पित्त की नली में अवरोध हो जाता है, प्रौढ़ावस्था में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक है, जबकि वयस्क अवस्था में ऑस्टियोमलेशिया किसी कमी से होता है, विटामिन D2 की कमी से। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में ऑस्टियोमलेशिया विटामिन के की कमी से। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि विभिन्न विटामिनों की कमी से कौन सा रोग होता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि विभिन्न विटामिनों के स्रोत कौन कौन से हैं, किस किस चीजों में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल पे दोस्तों, सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता दोस्तों। एग्जाम होने से पहले सब कुछ कवर हो जाएगा, बस बने रहिए आप। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।